हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज़ हरप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स एजुटेक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक फ्रॉम प्लस वन बिजनेस स्टडीज एंड द टॉपिक इज़ बिजनेस रिस्क, इट्स नेचर एंड कॉज। बिजनेस रिस्क होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन कारणों से जो बिज़नेस रिस्क है वो पैदा होता है और उसका बिज़नेस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आज का अपना टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले मीनिंग से शुरू करते हैं, बिज़नेस रिस्क होता क्या है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेसेस वेरियस रिस्क एलिमेंट व्हाइल डूइंग बिजनेस। देखो, बिजनेस से थोड़ा हट के हम लोग अगर अपनी पर्सनल लाइफ पे थोड़ा सा आके डिस्कस करें तो हमें भी मॉर्निंग उठने से रात को सोने तक हम लोग कई तरह के जो रिस्क होते हैं हम लोग उसमें से गुजरते हैं। कई रिस्क जैसे कि आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, हम लोग मार्केट में जाते हैं तो वो भी एक रिस्क है कि कहीं अपने को लग ना जाए, है ना। तो अगर हम लोग कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक रिस्क है कि कहीं से अगर हम लोग अच्छा चला रहे हैं तो कहीं और ना बीच में आके ये व्हीकल जो है अपना टकरा जाए और एक्सीडेंट हो जाए अपना। सो कई तरह के रिस्क जो हैं हम लोग भी फेस कर रहे हैं। और बिज़नेस जो है, जब बिज़नेस अपनी वर्किंग करता है तो बिज़नेस को भी उस वर्किंग के दौरान कई तरह के जो है रिस्क एलिमेंट के साथ निकलना पड़ता है। तो कौन कौन से रिस्क क्या होता है उसमें। बिजनेस रिस्क इम्प्लाइज सम अनसर्टनिटीज। रिस्क कहते किसको हैं? अगर आपको पता है कि जहर पीने से आदमी मर जाएगा, उसमें कोई रिस्क नहीं है, वो तो डिफाइन है, डेफिनेटली है कि मर ही जाएगा बंदा, तो वो जहर खाना मतलब कोई रिस्क नहीं है, वो तो एक सुसाइड है, तो हम लोग मर रहे हैं। अगर हम लोग ट्रेन के आगे जाएंगे तो पता है कि ट्रेन ऊपर से निकल जाएगी, बंदा बचेगा ही नहीं किसी तरह से, तो ट्रेन ऊपर चढ़ जानी और वो कोई रिस्क नहीं है। रिस्क किसको कहते हैं कि अनसर्टनिटीज, जिसमें अनसर्टनिटी हो प्रॉफिट में, डेंजर हो लॉस का, मतलब वो अनसर्टनिटी है, कुड और कुड नॉट, हो सकता है नहीं भी हो सकता, अनसर्टनिटी ऑफ प्रॉफिट है या सर्टनिटी ऑफ लॉस है, एंड द इवेंट दैट कुड पोज अ रिस्क ड्यू टू सम अनफॉरसीन इवेंट इन द फ्यूचर विच कॉज बिजनेस टू फेल। और कुछ ऐसे कारण जिनके कारण बिजनेस जो है वो फेल हो सकता है, बंद हो सकता है। ऐसे जो कॉजेज हैं, ऐसे जो एलिमेंट हैं जो कि अपने इन्वायरमेंट में फैले हुए हैं, जिसके साथ बिजनेस लगातार डील कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसका, रिस्क का फीचर जो है, दैट इज अनसर्टनिटी, कि रिस्क जो है हमेशा अनसर्टन रहेगा, जो सर्टन है वो रिस्क नहीं है। रिस्क में बी डिफाइन एज अनसर्टनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, लॉस और डैमेज। सीओ हार्डी की जो डेफिनेशन है कि रिस्क को कैसे डिफाइन किया गया, एक अनसर्टनिटी इन रिगार्ड टू कॉस्ट, कि बिजनेस को किसी चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है, बिजनेस को कोई लॉस हो सकता है या बिजनेस को कोई डैमेज क्लेम पड़ सकता है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया, वो एक रिस्क है, वो डिफाइन नहीं है कि अर्थक्वेक आना ही आना था। सो बिजनेस रिस्क कैन अराइज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस बाय टू मेजर फैक्टर्स। बिजनेस रिस्क कैसे आता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय टू मेजर फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। जो इंटरनल फैक्टर है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर होते हैं ये उनमें से प्रभावित होता है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर है ये बिजनेस की वर्किंग या बिजनेस की वर्किंग इसके ऊपर नहीं होती है, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, ये क्या होता है, टेकिंग प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे से बाहर होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो एक्सटर्नल फैक्टर होगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसी बिजनेस उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता, राइट। जैसे कि इंटरनल फैक्टर्स की कुछ जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि ह्यूमन फैक्टर इसके अंदर आ जाते हैं, वो ह्यूमन जिसमें के टैलेंट ऑफ मैनेजमेंट है, वर्कर्स है, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशंस है, कि दोनों के आपसी रिलेशन कैसे हैं, ये हमारा इंटरनल जो है वो पार्ट है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो हम लोग अंदर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एक्सटर्नली, हम लोग एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है ये इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल वो है जो हम लोग अंदर यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं कि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव ना हो, वो भी एक फैक्टर है,
कि वो जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो कब फेल हो जाएगी, कब कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, कब हमारा डाटा जो करप्ट हो जाएगा, ये भी एक रिस्क है। उसके बाद कुछ फिजिकल रिस्क होते हैं, जैसे कि मशीन का चलते चलते ख़राब हो जाना, आग लग जानी बिजनेस के अंदर या चोरी हो जानी। उसके बाद है हमारे ऑपरेशनल फैक्टर रहते हैं, जैसे कि हमें क्रेडिट ना मिलना मार्केट से, हमारी कॉस्ट कटिंग जो है वो बढ़ जानी बहुत ज़्यादा, और जो एडवर्टाइजमेंट है हमारी वो ना चलनी। तो ये सारे रिस्क जो है इंटरनल है, लेकिन एक बात तो है कि इंटरनल फैक्टर्स जो हैं ये विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होते हैं, बिजनेस इसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है। हालांकि थोड़ी सी जो प्लानिंग है उसको अच्छा करना पड़ेगा, अगर प्लानिंग हम लोग अच्छी कर देंगे तो इन फैक्टर्स के ऊपर हम लोग क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस क्या है, वो एक्सटर्नल फैक्टर है, लाइक जो हाईली वेरिएबल होते हैं, जिनको हम लोग के पकड़ नहीं सकते, चेंज होते हैं, हाईली चेंजिंग मोड पे होते हैं, जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस, सच एज इकोनॉमिक फैक्टर, लाइक मार्केट में रिस्क है, प्राइसिंग प्रेशर है गवर्नमेंट की तरफ से, या सप्लाई ऑफ कैपिटल है, हमें पैसा नहीं मिलता शेयर मार्केट से, या कुछ नेचुरल फैक्टर आ जाते हैं, फ्लड अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, यह गवर्नमेंट पॉलिसी है कि जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है, वन बाय वन हम लोग इनको जो है डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क जो है वो क्या होता है, पहले फैक्टर से पहले हम लोग नेचर देखते हैं कि बिजनेस रिस्क जो है इसकी नेचर क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। पहला देखो, बिजनेस रिस्क कैन बी डिफाइन एज अनसर्टनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, वो वाले इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड थे, अचानक आ गए, वो इसके आगे आएंगे, ठीक है, और जो अनसर्टनिटीज़ हैं वो इसके आगे आएंगी, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। इन सिंपल वर्ड वी कैन से बिजनेस रिस्क मीन्स अ चांस ऑफ इनकर्ड लॉस और लेस प्रॉफिट हैज देन एक्सपेक्टेशन। जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी बिजनेस से, उससे कम हमारा प्रॉफिट हुआ, ये भी एक रिस्क है कि उतना होगा या नहीं होगा, या चांस ऑफ लॉस है, ये भी हमारा रिस्क है कि लॉस भी हो सकता है। तो फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स हैं डिस्कस करते हैं। अराइज ड्यू टू अनसर्टनिटीज, बिजनेस रिस्क जो है ये अनसर्टन है, हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि बिजनेस रिस्क इज इक्वल टू अनसर्टनिटीज, कि अगर वो रिस्क सर्टन हुआ तो वो रिस्क है ही नहीं। रिस्क क्या होता है, जो हमें जिसके बारे में पहले से पता ना हो उसको हम लोग रिस्क कहते हैं, वो अनसर्टन है। सो अनसर्टनिटीज मीन्स व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ वट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, जब आपको ये ना पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो उसको हम लोग अनसर्टन कह देते हैं। लाइक डिमांड ऑफ कस्टमर क्या होने वाली है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या निकलने वाली है आगे, हमें नहीं पता। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये अनसर्टन रिस्क होते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये अनसर्टन रिस्क कैसे हुआ, डिमांड फेवरेबल हुए तो रिस्क नहीं है, ठीक है, वो बिजनेस के फेवर में है, और अगर हम लोग कहें वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है बिजनेस के लिए, और गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे फेवर में आ गई तो वो भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होएगी, वो हमारे लिए रिस्क नहीं है। रिस्क क्या है कि जो चीज़ हमारे अगेंस्ट हो जाए उसको हम लोग रिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग कहें कि सपोज करो कि आपके पास कोई चीज़ है वो काफ़ी ख़राब हुई हुई है, अगर वो गिर गई, गिरने के बाद वो ठीक हो गई, तो क्या वो रिस्क है, वो तो हमारे फेवर में हो गया। रिस्क क्या है कि अगर कोई चीज़ जो है वो हमें लॉस दे करके जाएगी या हमारे प्रॉफिट को कम करके जाएगी, देन वो हमारे लिए रिस्क है। क्लियर। तो हर बार ये नहीं बोलना कि डिमांड चेंज होना कॉज टू रिस्क, अगर डिमांड हमारे फेवर में होगी तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है असेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, जो रिस्क है वो बिजनेस का असेंशियल पार्ट है। देखो रिस्क के बिना हम लोग बिजनेस नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा कहे कि मैंने प्रॉफिट अर्न करना लेकिन रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है, तो इसमें नहीं हो सकता। खाना खाना भी एक तरह का एक रिस्क है, अगर आप रोटी खा रहे हो अगर वो गले में फंस गई तो उससे भी जान जा सकती है, तो वो भी एक तरह। तो रिस्क जो है बिजनेस का एक इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट मीन जिसको हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। सो इसीलिए रिस्क इज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, नो बिजनेस कैन अवॉइड द रिस्क, ऑल्दो द डिग्री ऑफ रिस्क मे बी, क्या हो सकती है जो बिजनेस डिग्री है रिस्क की कि वो ज़्यादा है या कम है, वो उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं प्लानिंग करके, इंश्योरेंस लेके,
लेकिन हम लोग उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम लोग उसको खत्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। के डिग्री जो है, हम लोग पहले बात की कि डिग्री ऑफ रिस्क में भी रिड्यूस की जा सकती है। वो डिग्री ऑफ रिस्क क्या है? वो वॉल्यूम है कि आपको रिस्क कितना बड़ा होगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी है। इसका मतलब क्या कि रिस्क किसकी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? कि आपके बिजनेस का साइज कितना बड़ा है, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। अब अगर मैं कहूं कि शेयर मार्केट में मैंने 10 लाख रुपए लगाए, तो मेरा रिस्क कितना है? मेरा रिस्क 10 लाख रुपए तक है। अगर मैंने उसमें 5,000 रुपये लगाए हैं, तो मेरा रिस्क कितना है? 5,000 रुपये। तो जितनी बड़ी मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, जितना बड़ा मेरा बिजनेस का साइज होगा, उतना ही ज़्यादा मेरे को रिस्क भी होगा। सो इसीलिए पॉइंट है कि डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। साइज से तो आप लोग समझ गए कि साइज इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। के लार्ज बिजनेस मीन्स लार्ज इन्वेस्टमेंट मे फेस हाई डिग्री ऑफ रिस्क। लाइक हम लोग फैशन बिजनेस का काम करते हैं, ये नेचर है बिजनेस की, कि अगर एक बिजनेस कैसा काम करता है वो उसकी नेचर है। लाइक अगर मैं वेजिटेबल्स का काम करता हूँ, अगर मैं फ्रूट्स का काम कर रहा हूँ, और कल को कुछ ऐसा हो गया कि मेरे वो बिजनेस के अपोज्ड चला गया, मेरे को बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, तो जितना स्टॉक पड़ा है मेरे पास, वो पेरिशेबल है, वो खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो भी एक रिस्क है। ठीक है। सो अगर मेरा नेचर फैशनेबल बिजनेस का है, कि मैं फैशन के साथ डील कर रहा हूँ, तो कल को मार्केट का फैशन क्या होगा, कंज्यूमर का टेस्ट क्या होगा, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंसेस है वो किस तरफ जाएंगी, तो जो मेरा फैशनेबल अगर बिजनेस है, तो वो कंज्यूमर टेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। जब तक वो टेस्ट मेरे फेवर में है, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो टेस्ट मेरे बिजनेस के अगेंस्ट चला गया, तो मेरे को ह्यूज लॉस का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर। सो इस तरह से रिस्क जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। लेकिन प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्क बियर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट उस चीज का एक रिवॉर्ड है, एक इनाम के तौर पे है। द बिजनेस अर्न्स अ प्रॉफिट बिकॉज दे आर बियरिंग रिस्क। नो रिस्क नो गेन। अगर हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हमें गेन नहीं हो सकता। देखो, हम लोग अगर 6, 6.5, 7% इंटरेस्ट लेते हैं, तो बैंक में FD करवाते हैं, वो भी एक रिस्क है। कल को बैंकरप्सी हो जाएगी, तो बैंक कितने रुपए तक की गारंटी लेगा आपकी। सो इस तरह अगर हम लोग कुछ पाना चाहते हैं, तो हमें कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना होगा, वो हमारा रिस्क होगा। इसीलिए लिखा कि नो रिस्क नो गेन। अगर बिजनेस रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन लार्जर द रिस्क मे बी लार्जर द प्रॉफिट। अगर आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा हो जाए, या लॉस भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी दोनों तरफ होती है। 50-50 का जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क इज अनअवॉइडेबल। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि रिस्क को आप लोग अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क कैन नॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बिजनेस। अनअवॉइडेबल एलिमेंट है ये। देर आर मैनी फैक्टर्स इन विच बिजनेस इज सर्वाइव। सम ऑफ द फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। बिजनेस कांट एलिमिनेट और अवॉइड सच फैक्टर्स, बट वी आर मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग विद द प्रॉपर प्लानिंग। हम लोग अगर प्रॉपर प्लानिंग करके चले, इंश्योरेंस लेके रखें, तो हम लोग क्या उसकी पहले से एक उसके लिए हम लोग क्या तैयार रह सकते हैं, उसको थोड़ा सा जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग फैशन की बात करते हैं, तो फैशन अगर हम लोग अपनी लोकल सिटी की बात करें, तो हमारे से जो बड़ी सिटीज है, जो उसको हम लोग मेट्रो सिटीज बोल सकते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो फैशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हमें मेट्रो सिटी से इकट्ठी करनी पड़ेगी। क्योंकि वहीं से लोग टेलीविज़न देख के, न्यूज़पेपर देख के, मैगजीन देख के, वहाँ से जो है फैशन को अब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें क्या वहाँ का फैशन पहले स्टडी करना पड़ेगा। वहाँ जो नया फैशन आएगा, धीरे धीरे अपनी तरफ आएगा, और वहाँ पर जो फैशन चला गया, डेफिनेटली वो हमारे यहाँ भी चला ही जाएगा टाइम से। तो हमें ये चीज़ें जो है प्रॉपर प्लानिंग से हम लोग इसको घटा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। और जो रिस्क फैक्टर है, इसके जो फैक्टर्स हैं सारे, वो इंटरलेटेड रहते हैं।
वेरियस फैक्टर्स ऑफ रिस्क आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, जिसका मतलब क्या है, विच मे मेक अफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो अगर हम लोग कहें कि कंज्यूमर की इनकम घटी और उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, मान लो एम्प्लॉयमेंट कम हुई तो एम्प्लॉयमेंट कम होने से कंज्यूमर की इनकम के ऊपर फर्क पड़ेगा, अगर उसकी इनकम कम हो गई तो उसकी जो बाइंग हैबिट है वो भी इफेक्टेड होगी, और अगर उसकी बाइंग जो हैबिट है वो इफेक्ट होगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ द बिजनेस कंसर्न, वो हमारी सेल के ऊपर फर्क पड़ेगा। डीमोनिटाइजेशन की गवर्नमेंट ने, डीमोनिटाइजेशन का क्या इफेक्ट निकला, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा, और जिसके पास पैसा ही नहीं होगा वो मार्केट में क्या करने जाएगा, ठीक है ना, अगर मार्केट में नहीं जा रहा तो दुकानें खुली हुई हैं उसका सामान नहीं बिक रहा, तो डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ गया, सेल ऑफ द बिजनेस कंसर्न। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है डिफिकल्ट टू स्टडी। स्टडी करना किसको डिफिकल्ट रहता है, जो चीज़ मतलब लगातार चेंज होती रहे, रैपिडली चेंजेस होती रहे जिसमें, उसको स्टडी करना डिफिकल्ट रहता है। अगर कोई चीज़ जो है वो स्ट्रिक्ट रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आती, तो उसको स्टडी करना इजी रहता है कंपैरेटिवली। तो इसमें क्या पॉइंट आता है, बिजनेस रिस्क मे अराइज ड्यू टू द अनसर्टनिटीज ऑफ द फ्यूचर इवेंट विच आर हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, कि बिजनेस रिस्क जो है वो पैदा कैसे हुआ, ड्यू टू द अनसर्टनिटीज ऑफ द फ्यूचर इवेंट विच आर हाईली वॉलेटाइल इन नेचर। फ्यूचर की अनसर्टनिटीज जिसके बारे में हम लोगों को नहीं पता था, उसके कारण जो रिस्क है वो पैदा हुआ, और वो जो चीज़ें हैं, वो जो एलिमेंट है, वो सारे क्या हैं, वॉलेटाइल नेचर के हैं, आज कुछ और कल कुछ और परसों कुछ और, जो फैशन आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों होगा, इसकी क्या गारंटी है, ठीक है ना। सो जो टेक्निक्स हैं जो आज यूज़ हो रही हैं वो कल और डेवलप हो जाएंगी, परसों और लेटेस्ट हो जाएंगी, सो व्हाट इज़ टुडे विल चेंज टुमारो, जो आज है वो कल चेंज हो जाएगा। ड्यू टू दिस फीचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू स्टडी द कॉजेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कॉज को हम लोग स्टडी फिर भी चलो धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन उसको समझना, उसके लिए पहले से तैयार रहना, प्लानिंग कर पाना, उसको पूरा काबू में कर लेना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ लगातार चेंज होगी, जैसे एक बच्चा है, देखो कल कुछ और बढ़ गया, परसों और बढ़ गया, ठीक है, धीरे धीरे उसका कद बढ़ता रहता है, तो क्या उसके आज के कपड़े जो हैं कल आ जाएंगे, कल के कपड़े परसों आ जाएंगे, तो नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैसे वैसे हमें प्लानिंग जो है करनी पड़ेगी। सो डिफ़िकल्ट टू स्टडी है, जो चीज़ चेंज होगी उसकी स्टडी करना डिफ़िकल्ट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन। रिस्क का एक एलिमेंट ये भी है कि रिस्क जो है कंपटीशन से अराइज होता है। हायर द कंपटीशन हायर विल बी द बिजनेस रिस्क। आपने जो सामान बनाया उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई, उसके हिसाब से आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके एक चीज़ का प्राइस रखा, लेकिन कल को जो कॉम्पिटिटर है उसका प्राइस आपसे कम है, तो कस्टमर जो है वो किसको प्रेफर करेगा, कम प्राइस को प्रेफर करेगा, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी सेल कम हो गई। तो कंपटीशन अगर ज़्यादा रहेगा, मोनोपली नहीं रहेगी मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन रहेगा, तो उसका रिस्क सीधा सीधा आपको होगा। तो क्या पॉइंट है कि हायर द कंपटीशन हायर विल बी द बिजनेस रिस्क एंड लोअर द कंपटीशन लोअर विल बी द बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट है पॉइंट बेस्ड ऑन टर्म ऑफ सेल। आपकी जो सेल की टर्म्स होती हैं उसके ऊपर भी ये बेस करता है। लाइक अगर आप कैश सेल पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो क्या हुआ, आपने सेल की, आपके पास कैश आ गया तो आपको कोई रिस्क नहीं है, आप अपने काम पे लग गए, तो लेसर विल बी द रिस्क ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या हैं, कि आपने उधार पे सेल की थी जिससे पैसा लेना कस्टमर को, कल को मना कर गया, मर खप गया, आपका पैसा मर गया वहाँ पे, डूब गया, तो ये बैड डेट्स है। तो बैड डेट्स का रिस्क कहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर आप क्रेडिट सेल पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, अगर आप सेल उधार के ऊपर करते हो, तो ग्रेटर द चांसेस ऑफ रिस्क आपको जो है वो रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स, कि आपकी जो वर्कफोर्स है, आपकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो कॉम्पिटेंसी, उनकी जो समझदारी है, उसके ऊपर जो आपका बिजनेस रिस्क है वो भी डिपेंडेंट रहेगा।
कि आपके बंदे कितने कॉम्पिटेंट है, कितना वो मार्केट को स्टडी जल्दी कर लेते हैं, कितना वो नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो अपनी वर्क फोर्स है वो काम कर लेती है। तो बिजनेस रिस्क डायरेक्टली इन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपकी मैनेजमेंट, आपकी वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, देन बिजनेस रिस्क जो है आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम वैसे ही प्लानिंग जो है पहले से कर लेते हैं। क्लियर? ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क के कॉज क्या हैं, किन किन कारणों से बिजनेस रिस्क जो है वो हो सकता है। पहला कॉज है नेचुरल रिस्क और नेचुरल कॉज। नेक्स्ट है ह्यूमन कॉज, फिर पॉलिटिकल कॉज, फिर इकोनॉमिक कॉज, फिर सोशल कॉज, फिर टेक्निकल, फिर उसके बाद है अदर कॉजेज, जिसमें मैनेजेरियल, कॉम्पिटिटिव एंड कल्चरल कॉजेज जो हैं वो आ जाते हैं। क्लियर? हम एक वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज क्या है? जो बाय नेचर हो। नेचर इज द मोस्ट मिस्टीरियस फैक्टर ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट एंड द ह्यूमन बींग हैव नो कंट्रोल ओवर इट। नेचर के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि नेचर कल को क्या लेके आएगी, ज़्यादा बारिश हो जाएगी, फ्लड आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा, सीजन चेंज हो जाएगा, चेंज होने के बाद भी सीजन प्रॉपरली चेंज नहीं होगा, तो ये चीज़ों का रिस्क तो रहेगा और इसके ऊपर ह्यूमन बींग जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। विच मीन्स सच काइंड ऑफ रिस्क आर अनअवॉइडेबल। ये हमारे लिए अनअवॉइडेबल रहते हैं एंड अनप्रडिक्टेबल भी रहते हैं, कि हम इनको पहले प्रडिक्ट भी नहीं कर सकते। भूचाल आएगा हमें नहीं पता, फ्लड आएंगे हमें नहीं पता, ठीक है बारिश हो रही है लेकिन कब क्या हो जाए हमें इसके बारे में नहीं पता। सो फॉलोइंग आर द सम नेचुरल कॉजेज। कौन कौन से कॉजेज जो नेचुरल रहते हैं? पहला है चेंज ऑफ सीजन। इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसको पड़ता है, चेंज ऑफ सीजन का? सीजनल चेंजेस मे हैव इंक्लूड समर, विंटर एंड रेन। कौन कौन से सीजन हमें आते हैं? सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम आता है। विच अफेक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज फेवरेबली और एडवर्सली। देखो अगर सीजन की बात करें तो कुछ बिजनेस जो है सीजनली वर्क करते हैं, अगर उसके सीजन में उसको रॉ मटेरियल नहीं मिला तो अगर बिजनेस को वो एडवर्सली इफेक्ट कर गया, इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो गई और उसका जो सामान था वो खराब हो गया, तो सीजन इफेक्ट जो हैं ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंजेस। सो इसमें क्या आता है, सच काइंड ऑफ रिस्क राइज ड्यू टू द बैड क्लाइमेट लाइक अर्थक्वेक, हैवी रेन, फ्लड एटसेट्रा। देयर मे बी इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस बैडली। हम लोगों ने ये देखा ही हुआ है कि जो हिल एरियाज में लाइक कश्मीर में, लाइक लेह लद्दाख में जो बिजनेस कर रहे हैं बंदे, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्नोफॉल हो जाती है तो उनका बिजनेस नहीं चल पाता, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप पड़ जाती है। तो ऐसे कॉजेज में बिजनेस जो है वो फेलियर की तरफ ही चल पड़ता है। सो बिजनेस को बैडली इफेक्ट करता है अगर क्लाइमेट या नेचुरल कॉज जो है वो बैडली इफेक्ट करे तो। ह्यूमन कॉज कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन कॉज में क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये बिजनेस के लिए, क्योंकि ह्यूमन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है बिजनेस के लिए। हम लोग क्या है, बंदों की मदद से ही हम लोग काम करते हैं। मैनेजमेंट की अगर डेफिनेशन देखी जाए, प्लस टू में आप लोग करोगे, तो उसमें क्या लिखा है कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों से काम करवाने की कला को मैनेजमेंट कहा जाता है। आप दूसरों से काम करवा, दूसरे कौन है? वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो वर्कर्स हैं, फेलो बीइंग्स हैं आपके, तो उनसे आपने काम करवाना है। बिजनेस में सफर लॉस ड्यू टू द इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कई बार ह्यूमन बीइंग इंटेंशनली कोई ऐसा काम कर दे जानबूझकर या अनइंटेंशनल उनसे हो जाए गलती से, तो उस एक्ट से भी बिजनेस को लॉस हो सकता है। इंटेंशनल लॉस जो है वो फ्रॉड होता है, लाइक उन्होंने चोरी कर ली, लाइक उन्होंने एम्बेजलमेंट कर दी, लाइक उन्होंने स्ट्राइक कर दी, उन्होंने रायट्स झगड़े कर दिए, तो ये इंटेंशनल है। अनइंटेंशनल क्या है कि उनसे गलती हो गई, जो मटेरियल बना रहे थे उस बनाने में उनको गलती हो गई और वो मटेरियल जो है एक बैड क्वालिटी बन के जब मार्केट में गया तो कंज्यूमर की डिमांड उससे इफेक्ट हो गई और फ्यूचर में हमें उसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। सो वो है अनइंटेंशनली, जो उनसे गलती हो जाती है। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या है? रिस्क ड्यू टू द पॉलिटिकल कॉज मे अराइज ड्यू टू द अनस्टेबल गवर्नमेंट और ड्यू टू द अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज।
कई बार क्या है कि जो बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ता है तो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें भी अपना इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती हैं। उसमें इंटरफेरेंस क्या है कि ये अपना हिस्सा डाल लेते हैं उसमें, नहीं भाई ये मेरा फलाना रिश्तेदार है इसको अंदर पार्टनर रख ले, और बंदा अगर मना करेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, इनकम टैक्स की रेड, सेल टैक्स की रेड, तो उसको तंग करना शुरू कर दो। और बंदे को क्या है इन चीज़ों से, डिस्टरबेंस से हर बंदा डरता है, तो क्या करेगा वो, अच्छा जी कह के बंदे को अंदर एक पार्टनर तौर पे रख लेगा या उसको काम पे रख लेगा। ये हर जगह चलती है चीज़, पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं ये बिजनेस हाउसेज में डिस्टरबेंस क्रिएट करती ही करती हैं, उनके फेवर में सोचे ना सोचे लेकिन उनके अगेंस्ट जरूर इनका दिमाग बहुत चलता है। तो इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, प्राइस रेगुलेशंस अगर ये डिस्टर्ब होते हैं, रिस्ट्रिक्शन प्रॉफिट मार्जिन अगर गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बना देती है कि इससे ज़्यादा आप जो है प्रॉफिट मार्जिन नहीं रख सकते, हायर रेट ऑफ टैक्सेस आपके ऊपर लगा दिए, टेकिंग अवे अ मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन वगैरह आती हैं तो उसमें डोनेशन डलवा लिया आपका, या अनफेवरेबल जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो आपके फेवर में नहीं रही, या डिस्करेजिंग कर दिया सम लाइंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर स्ट्रिक्टली लेजिस्लेशन इम्पोज्ड ऑन द बिजनेस एंटरप्राइज, कुछ आपके ऊपर ऐसा कानून थोप दिया गया जिसके साथ आपका बिजनेस जो है बैडली इफेक्ट हो गया, कि आपको ये बता दिया कि जहाँ पे आप पिछले 10-20 सालों से काम कर रहे हो, 50 साल से काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने ये काम ही नहीं करना जी, आज के बाद ये एरिया खाली कर दो, ये रेजिडेंशियल एरिया रखना टोटली, तो वहाँ से आपको बिजनेस अपना पूरे का पूरा उखाड़ के कहीं और लेके जाना पड़े, तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ पे बिजनेस की जो वर्किंग है वो इफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि एक जगह आपका मार्केट बना हुआ था वो वहाँ जाके दोबारा बनाना पड़ेगा, बनेगा भी नहीं बनेगा पता नहीं, वहाँ पे क्लाइमेट आपको सेट आएगा नहीं आएगा, लोग आपको, है ना, तो ये सारी जो प्रॉब्लम है ये बिजनेस को पैदा होती हैं ड्यू टू द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन। कई बार जो है मार्केट की जो कंडीशन है फाइनेंशियल मार्केट की वो हमारे अगेंस्ट हो जाती है। सम ऑफ द इकोनॉमिकल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, राइजिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई ड्यू टू द इन्फ्लेशन ऑफ क्रॉप फेलियर, कि इस साल जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई जिसके कारण क्या हुआ जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फाइनेंशियल मार्केट का ये भी लॉस हो गया हमारे लिए। इकोनॉमिक रिसेशन आ गया इंडस्ट्री में, शेयर मार्केट बिल्कुल डूबा पड़ा है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस के दौरान जो स्टॉक मार्केट है बिल्कुल टूट गई। स्टॉक मार्केट टूटने का क्या होगा कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लोगों को विश्वास नहीं होगा उस मार्केट के ऊपर, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कंपनियों को जो है फाइनेंशियल जो हेल्प है वो नहीं मिलेगी वहाँ से, ठीक है, जो मनी रेज करनी है, फंड रेज करने हैं कंपनीज ने वो वहाँ से नहीं होंगे, तो ये दिक्कत आएगी। इकोनॉमिक रिसेशन आ गया इंडस्ट्री में, लीडिंग टू अ पुअर डिमांड, और इसका कारण ये भी हो सकता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं, और मेकिंग बोरिंग कॉस्टलियर, और इससे बोरिंग जो है वो बहुत कॉस्टलियर हो चुकी है, और इसके लिए जो कंपनीज हैं वो बोरो नहीं कर सकती फंड, उनको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। या कह सकते हैं पैसिमिस्टिक या रिसेशन आ चुका है कैपिटल मार्केट कंडीशनिंग में, और डिस्करेज हो चुके हैं पीपल, वहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे। आजकल लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सेफ समझते हैं रैदर देन कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ देखें। तो ये प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, ये सारी आ सकती हैं हमें, और ये प्रॉब्लम भी बिजनेस के लिए एक रिस्क है। नेक्स्ट कॉज है हमारा सोशल कॉज, सोशल कॉज में क्या लिखेंगे, रिस्क ड्यू टू द सोशल कॉज आर दोज विच मे अराइज फ्रॉम कस्टमर बिहेवियर और ड्यू टू द चेंज टेक्स प्लेस इन द सोशल सिनेरियो। देखो ये सोसाइटी के कारण आता है, हम लोगों ने पहले ही ये चीज़ सीखी हुई है कि बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, और इन दोनों में आपसी एक रिलेशन है, बिजनेस उसके लिए काम करता है और सोसाइटी बिजनेस के लिए जिंदा रहती है, बिजनेस से ही जिंदा रहती है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ सकती हैं, चेंज इन फैशन, ये भी हमारी सोशल चेंज है, चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, चेंजेस इन द इनकम पैटर्न ऑफ द कस्टमर, वो चेंज आ गई, या हम लोग कह सकते हैं चेंजिंग सोशल वैल्यूज लीडिंग टू न्यू पैटर्न ऑफ
सोशल लाइफ, अगर हमारी सोशल वैल्यूज चेंज हो गई तो हम लोग नई सोशल लाइफ की तरफ बढ़ गए, तो पुराने जो बिजनेस चल रहे हैं पुरानी चीज़ों के वो डीमोरलाइज हो जाएंगे और वो उनके ऊपर बैडली इफेक्ट पड़ेगा और वो बिजनेस लॉस में चले जाएंगे। तो ये भी प्रॉब्लम है, ये सारा सोशल सिनेरियो है। उसके बाद है टेक्निकल कॉजेस। मैंने बोला था कि ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इन द प्रेजेंट डे टाइम टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। जल्दी जल्दी जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है। सो बिजनेस एक्सपर्ट्स कॉल दिस फेज अ चेंज एज अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन। तो जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं इस चेंज को ही टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन बोलते हैं। अपीयरेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी रेंडर्स द ओल्ड टेक्नोलॉजी एज एब्सोल्यूट, और उसको आउट ऑफ यूज कर देती है जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, कॉजिंग सवेयर फाइनेंशियल लॉस टू द फर्म्स। और इससे क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि फाइनेंशियल लॉस जो है फर्म्स को बहुत ज़्यादा हो जाता है। कारण क्या है, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कर रही हैं हो सकता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लायक ना हो, और अगर उनको करना पड़े तो ह्यूज फाइनेंशियल लॉस जो है वहाँ पे हो सकता है। जैसे कि एंड्रॉयड सिस्टम जब मार्केट में आया तो इस एंड्रॉयड सिस्टम को जो बहुत बड़ी कंपनी थी लाइक सैमसंग, उसने तो फटाफट अडॉप्ट कर लिया, और जो कंपनी उसको अडॉप्ट नहीं कर पाई वो क्या हुआ, दब गई, मर गई, खप गई, ख़त्म हो गई वो कंपनी। और उसका फायदा किसको हुआ, फर्स्ट मूवर को। कौन है फर्स्ट मूवर, जिसने टेक्नोलॉजी को फर्स्ट अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, सो ये सारा टेक्नोलॉजिकल कॉज है। इससे बिजनेस जो है लॉस में भी चला जाता है, बिजनेस जो है खत्म तक हो जाते हैं। अदर कॉजेज में क्या क्या है, मैनेजीरियल कॉज। मैनेजीरियल कॉज में क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट आ जाती है, रॉन्ग एस्टिमेशन ऑफ डिमांड बाय द मैनेजमेंट। अगर वो डिमांड की एस्टिमेशन ही गलत लगा लें तो ये सी प्रॉब्लम आ गई। सेकंड, पुअर लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। यहाँ पे हमारी जो लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन है वो क्या है, वो सही नहीं है, वो पुअर रिलेशन है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। उसके बाद क्या है, इनएफिशिएंट ऑपरेशनल लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। हमारी जो ऑपरेशनल लाइफ है कि वो इनएफिशिएंट है, कारण क्या है, ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट और अनट्रेन्ड मैनेजीरियल स्टाफ और वर्कर्स। कि हमारी जो ऑपरेशनल लाइफ है वो अच्छी नहीं है, कारण क्या है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है, वो ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, बंदे एक्सपर्ट नहीं है वो। नेक्स्ट हमारा आता है अदर में कॉम्पिटिटिव कॉजेस, कॉम्पिटिशन, एंट्री ऑफ द अनड्यूली लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। कहीं पे आप अगर एक लोकेलिटी में काम कर रहे थे, वहां पे सिर्फ आप ही का बिजनेस था तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन वहाँ पे अगर 10 बंदे और आप ही का बिजनेस सेम करने आ जाएं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, हमारे बिजनेस की सेल के ऊपर पड़ेगा। तो मतलब क्या कि अगर लार्ज नंबर ऑफ पर्सन आ जाएं आपकी सेम लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में तो बिजनेस रिस्क राइज हो जाता है। एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज थ्रेटनिंग अ वेरी सर्वाइवल ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज। अगर मल्टीनेशनल कंपनी आ जाती है हमारे मार्केट में तो उसका फ़र्क कहाँ पे पड़ता है, हमारी डोमेस्टिक कंपनी पे पड़ेगा। डोमेस्टिक कंपनी की सेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो सेल होगी किसकी ज़्यादा, मल्टीनेशनल की। उनका क्या है कि उनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, अगर वो एक के साथ एक फ्री भी दे देंगे और 4 साल भी फ्री दे देंगे तब भी वो डोमेस्टिक कंपनी को ख़त्म कर डालेंगे, क्योंकि हमारी सेल कम हो जाएगी उनकी सेल बढ़ जाएगी। तो ये इफेक्ट पड़ेगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का। उसके बाद है कल्चरल और फैशन कॉज। अगर हमारे पास क्या है, कल्चरल रिस्क क्या होता है, डू प्राइमरली विद द कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन अ बिजनेस एंड इट्स एम्प्लॉयज कस्टमर्स एंड लोकल इन्वायरमेंट। किसी बिजनेस के अंदर काम करते हुए एम्प्लॉयज का कल्चर अलग है आपसे, कस्टमर का कल्चर हमसे अलग है, या लोकल इन्वायरमेंट जिसमें हम लोग काम करते हैं वहाँ का कल्चर हमसे अलग है, तो ये कॉज हमारे बीच में पैदा हो जाएगा। तो ये पहले बिजनेस सेट करने से पहले देखना है कि जो कस्टमर है उसका फैशन क्या है, जो लोकल इन्वायरमेंट है उसका फैशन क्या है। तो क्या क्या रिस्क यहाँ पे आ सकते हैं, फेलिंग टू अडेप्ट योर बिजनेस मॉडल टू द लोकल मार्केट। कि जो लोकल मार्केट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस मॉडल ही सेट नहीं कर पाए,
समझ नहीं पाए उसको, तो पहला रिस्क ये हो गया। फेलिंग टू रिकॉग्नाइज द रीजनल डिफरेंसेस इन कल्चर, कि कल्चर में क्या क्या डिफरेंसेस है, हमारे लोकेलिटी में कितने लोग रहते हैं, क्या क्या उनका कल्चर है, क्या क्या पहरावा वो लोग पसंद करते हैं, क्या खाना वो लोग पसंद करते हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो ये भी एक रिस्क का कारण पड़ेगा। फेलिंग टू अडेप्ट योर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग डिफरेंट कल्चर्स, कि हम लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं। देखो कई बार एक ऐसी कंपनीज होती है ना, जैसे हम लोग MNC की बात करते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, वहाँ का जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट है वो इतना ज़्यादा प्रोफेशनल होता है कि वहाँ का जो पहरावा है उसको लगभग जो है वेस्टर्न कल्चर के साथ बनाया गया होता है। ठीक है, जो लड़कियाँ वहाँ पे जॉब करती हैं उनको भी ट्राउज़र जो है शर्ट वगैरह पैंट वगैरह वो डाल के जॉब करना है, और लेकिन जो हमारी लोकेलिटी है कई बार वो उन चीज़ों को पसंद जो नहीं करते। सो यहाँ पे क्या हुआ, फेलिंग टू अडेप्ट योर मैनेजमेंट, जो हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो हमारे डिफरेंट कल्चर्स के साथ मैच नहीं करती, तो ये भी हमें प्रॉब्लम आएगी। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, यहाँ तक हमारे जो कॉजेस थे वो सारे कवर हो गए। इसके बाद हमने पढ़ना है कि जो बिजनेस रिस्क है उसके कितने तरह का बिजनेस रिस्क हो सकता है। दो तरह की टाइप जो है हमारे बीच में आती है, एक इंश्योरेबल रिस्क, एक नॉन इंश्योरेबल रिस्क। जो इंश्योरेबल रिस्क है वो रिस्क वो हैं जिनको हम लोग कवर्ड कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग देम इंश्योर्ड, जब हम लोग उनको इंश्योर्ड कर लेते हैं, जैसे कि फायर इंश्योरेंस है, मैंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, कम से कम कल को जब आग लगेगी तो उससे तो मुझे लॉस नहीं होगा ना, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, वो मेरा लॉस कवर कर देगी। इन दिस केस आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी विल बियर द होल और पार्शियल लॉस, जितने की हमने पॉलिसी ली है या तो वो सारे का सारा, या वो जब अपनी इंक्वायरी पूरी कर लेंगे उसके हिसाब से जितनी अमाउंट बनती होगी, जितना क्लेम वो एडमिट करेंगे उसके हिसाब से अपना लॉस जो है कवर हो जाएगा। ये तो हुए इंश्योरेबल रिस्क। सो नॉन इंश्योरेबल रिस्क कौन से हुए, जिनका हम लोग इंश्योरेंस नहीं ले सकते। इसकी कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, जनरली इकोनॉमिक एंड ह्यूमन लॉसेस जो हैं, कॉजेज हैं जो लॉस के, ये इसके अंदर नहीं आते। बाकी सारे जो रिस्क हैं वो इंश्योरेबल हैं। इकोनॉमिक कॉज जो मार्केट के कारण हुए, ह्यूमन कॉज जो चोरी और एम्बेजलमेंट के कारण हुए, इनको हम लोग जो है इंश्योरेंस कवरेज के अंदर नहीं लेते। होल सच काइंड ऑफ लॉस शेल बियर बाय द बिजनेस इटसेल्फ, जो ये दोनों कॉज हैं ये बिजनेस जो है खुद बियर करेगा। ये था आज का अपना टॉपिक कि बिजनेस रिस्क होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं और बिजनेस रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग अ वीडियो, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल फॉर द नेक्स्ट अपडेट।